हमरा लगे टेक्निकल कोनो समस्या छे और एखन ते द्वारे हिनका लोकन से संपर्क नहीं हमरा सबक भ रहल है। हम एक लेल हम क्षमा चाहे छी। शुरू में जे दिल्ली एखन बहुत रास कारण से कनी परेशान रहल है, हमरा लगे जे आई इंटरनेटक कारण से सेहो दिल्ली परेशान है, से क्षमा चाहत। हम एक कार्यक्रमक शुरू करे छी और एक अलावे जे शुरू जे चीज करे के रहन वा जे कोनो फॉर्मेट छे कार्यक्रम के तकरा हम सब समय अनुकूल देखे समय देखे ओकरा शुरू करब। पटना प्रोजेक्ट में प्रायोरिटी लीडर के रूप में पर्यावरण के लिए काज कर रहे छी। हमर सबके बहुत सौभाग्य छै एहन कवि एहन पढ़ल लिखल एहन हमरा साथ आखर में छै। हम अहाँ सबके बहुत स्वागत करै छी और गुंजनशील जी से अनुरोध अछि जे बातचीत। जी नमस्कार। हम सब आप विधिवत शुरू करिए करा और हम चाहे छी जे प्रोग्राम छे से एक एक्सपेरिमेंट छे से सवाल जवाब कतेक सहूलियत से भ सके छे से हमरा सबके अखन देखे के छे, लेकिन बातचीत के बाद हम सब कोशिश करब जे जतेक सवाल सब छे से सब हम सब ली और लेखक कवित्री और गुंजन जी जवाब सवाल सबके देता। आग्रह गुंजन जी से कार्यक्रम के शुरुआत मिल जाए। धन्यवाद जी। नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है सबके आई खरक के प्रोग्राम में। आई हमरा संग छथि शारदा झा। शारदा झा पर गप करी तैसे पहले एक मिनट के एकटा हम गप कहिजे। जनरली आई काल इंटरव्यू के दूटा फॉर्मेट एखन प्रचलित है। एकटा में एहन है जे लेखक के बजबे छी वा इंटरव्यू जिनकर करे छियनि तिनका बजबे छियनि और हुनका एकटा माने काउंटर करे के एकटा जे स्टाइल है से एकटा स्टाइल आइ काल्हि बहुत तीव्र गति से देखल जा रहल है, जे माने लेखक के देखार करे के लेल इंटरव्यू कयल जाइए। दोसर एकटा फॉर्मेट है जे बढ़िया और हम मानै छियै जे फॉर्मेट के और ओहिमे छै जे लेखक से जो हम गप कर रहल छियनि तऽ हुनकर एकटा ओवरव्यू बने और जनता के मन में जे देखे तकरा मन में बात होय कि लेखक के ओ चीन सके बढ़िया से माने बेसिकली से। तो हम सब आई जे गप सप करब आजका जे इंटरव्यू है और इंटरव्यू में हम सब शारदा जी के विषय में बहुत सारा बात जानब, शारदा जी के लेखनक मादे जानब और ओकर बाद हुनका से किछ किछ प्रश्न सब पूछल जेतन। ओवरऑल एकटा गप सपक बाद शारदा जी के विषय में एकटा नॉलेज हुए सब लोग में जे ई लेखिका माने की छथिन एकटा एक घंटा के भीतर में जते जानल जा सके से हम सब आज जानब। ओकर बाद शारदा जी के विषय में शारदा जी के मैथिली में बहुत एखन कम एहन लेखक माने लेखिका सब छथि जे छथि एकटा झमटगर प्रतिहानी नहीं बनि सकल है मैथिली में। तेहन सन स्थिति में शारदा जी लिख रही है आइ काल्हि और निरंतर लिख रही है। हिनकर लेखन शुरू हुई है हिंदी के माने पब्लिश जे चीज हम तै से कहे छी जे इनक लेखन शुरू हुई है हिंदी से। वही किताब के नाम रहा तेरे 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 ख्यालों की धूप में, क्रिएटिव कैंपस हैदराबाद से आयल रहे। 62 कविता वही किताब में रहे हिंदी के। तकर बाद हिनकर कविता एलन प्रेम कविता के बाद ई मैथिली कविता संग्रह छला 52 कविता एहिमे छले। ओकर बाद हाल में हिनकर और संग्रह आयला मैथिली में बीत जयबाक क्रम में, एहिमे 64 कविता हिनकर छन। ई हिंदी मैथिली भेल। अंग्रेजी में हिनकर मृत्यु थिक विचार अजीत आजादक कविता संग्रह छन जकर अनुवाद सेहो हाल में डेथ इज नोशन नवारंभ से प्रकाशित भेलन।
शारदा जी के शिक्षा दीक्षा के मादे छन जे बीएचयू से अंग्रेजी में पढ़ित रहे, तकर बाद फिर फिलोसफी में मास्टर्स कलन, तकर बाद फिर अंग्रेजी में मास्टर्स कलन, बीएड कलन। एखन शारदा जी हैदराबाद के एक स्कूल है गैंगेज वैली स्कूल, ते में प्लस टू लेवल में अंग्रेजी के एचओडी छथि, हैदराबाद में सपरिवार रहे छथि। एकर बाद मन हम सब शुरू करी शारदा जी संग गप, और एक अमूनन बहुत सामान्य सवाल है और एक हम जेनरिक टाइप के सवाल माने छी, लेकिन एक आवश्यक सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल हो जे हमरा पूछबाक इच्छा हो जे लिखब कोना शुरू भेल अहाँ के, एक दू मिनटक भीतर में जो ओ अपना जे शुरू केलहुँ तहिया से लग के एखन तक के जे बात कही जे केना लिखब शुरू केलहुँ, आ तही संगे इहो सवाल के जोड़ी जे लिखब शुरू तो केलहुँ किया केलहुँ सेहो दूटा, मैंने कोना आ किया लिखब शुरू केलहुँ से हमरा सबके कही शारदा जी। हम शुरू केने छी अपन कॉलेज के टाइम से पढ़ित रही हमसब, लेकिन लिखब एहन भेल जे एहन परिस्थिति पर ओहि समयमे किछु बहुत परेशान रही, बात निकलै के कोनो आर रास्ता नहि बुझाइ छलै, तऽ एहिना बैसल बैसल कॉपी पेन लेलहुँ, डायरी जगह पर डायरी लिखै छलहुँ, डायरियो तऽ लिखै छलहुँ लेकिन कविता केना लिखल जाइ छै से नहि, एहिना कलम कागज लऽ कऽ आ लिखऽ लगलहुँ अपना जे मोनमे अबै छलै जेना धारा प्रवाह होइ छै तेना ठाप शुरू भेल, आ जेना आदमी ट्रांसमे लिखै छै तेना तऽ लिखैत लिखैत जहन कम्प्लीट भऽ गेल हम शान्त भेलहुँ आ राखि देलियै ओकरा, मोन हमर बात जे शौक रहै हमर जे इच्छा रहै लिखबाक से हम लिख देलहुँ, तऽ से हमर पहिल लिखब 1997 कविता वाला भाव छै कविता जकाँ छै, तब तहन बुझाइ की लिखलियै यऽ तहन कविता कविता छै कविता जकाँ, तहन तकर बाद किछु किछु रुचि लागल तऽ तहिया से लिखब शुरू भेल, अपन अपन बात के एक्सप्रेस करे के दोसर तरीका नहीं रहा, कम बात है वाला लोग अपन बात निकाल के शायद यह हमारे कारण लिख अही संग एक तो बात अबे जे जनरली जे देखल जाइए जे आजकल किछु लिख देल जा रहल छै कविता के नाम पर, कविते जकां किछु लिखल जा रहल छै, ई तखन होइ छै जखन माने लोक अपन अपना लेल लिखऽ चाहैत रहैया, और जहन की लेखन के जे दायित्व छै ओकर सामाजिक दायित्व छै, सामाजिक दायित्व के निर्वहन छै, तऽ अहाँ आत्मसंतुष्टि के लेल लिखै छी अपन कविता वा समाजक लेल लिखै छी अपन कविता वा सामाजिक बदलाव एकटा अहाँ चाहै छी ताहि लेल अपन कविता लिखै छी, ई केहन एहि दुनूमे से कोन कैटेगरी मे अपना के रखै छी अहाँ? देखियो हमरा लेल ई कैटेगरी अलग नहि छै, हम अपना के बुझै छी जे हम सामाजिक व्यक्ति छी, सामाजिक जे संरचना छै ओ एकटा व्यक्ति से परिवार से शुरू होइ छै, ओहूमे एकटा व्यक्ति से शुरू होइ छै, तऽ जहन हम कोनो चीज लिख रहल छी तऽ ओकरा मे हमरा जे समाज मे भऽ रहल छै ओकर असर जे हमरा पर पड़ै छै सैह हम लिख रहल छी, आ जे लिख रहल छी से ओकर बहुत बहुत असर तक जे खराब बात जे हमरा असर करैया जे पर हमरा प्रतिक्रिया होइया जे पर हम लिखै छी तहन ओहिमे सुधार हेबाक चेष्टा होबाक चाही से हमर कविता मे रहै छै, तऽ हम ई अलग नहि बुझै छी जहिया हम शुरू करै छी जहिया हम अपन मोनो के बात लिखलहुँ, तऽ आइयो तक जे हम अपन मोने के बात लिखै छी अपने बात लिखै छी लेकिन ओकर सरोकार सब सब हमरा बुझै अलग नहि छै जे अपन आन है, क्योंकि जहन हम किछु लिखलहुँ आ समाज लग पहुँचलै तऽ समाजे के भेलै आ ओकरे लेल भेल, मतलब आत्मसंतुष्टि के लेल नहीं लिखे छी समाजक लेल लिखे छी, आत्मसंतुष्टि और रहते निकालतो नहीं तानो छपते नहीं तानो लोग लग नहीं पहुंचते तान खाली अपना लग होता है, हमर जो पहिल कविता रहा से बहुत कांचो होई तो हम अपन हिंदी वाला संग्रह में देलिए, क्योंकि वो हमर अपन बात रहा लेकिन हम ओतो से शुरू केने छी ओकरा हम वो जल का बिसरा नहीं चाहे छी जतो से शुरू केने रही, आ ओहू में बिल्कुल बिल्कुल बात पूरा आयल छी जी।
जी अहाँ के बात के मैंने सत्यापित करे छन हरिकृष्ण झा के किताब एना तो नहीं जे कि भूमिका में लिखे छथिन जे हमर जते कविता है सबटा हम एमे द्वारे देलहुँ जे हम आलोचक संगे छल नहीं करे चाहत रही सबटा बढ़िया कविता हम अपन एमे दे देब और जे हमर शुरू के रहे वा कांच कविता है से नहीं देब आलोचक संगे छल भेल बहुत नीक। अब लेखन में विचारक की अहाँ के महत्व बुझाया कि वैचारिक लेखन करवाक चाहिए वा जे आहे माहे छे आदि आदि छे जे मोन भेल से लिख ली से बेसी करवाक चाहिए वा एकटा वैचारिक लेखन एकटा विचार कर जे हमरा अपना लिटरेचर के माध्यम से अपना साहित्य के माध्यम से अपना समाज के लेल की करवाक है हमरा अपना समाज में जे चीज हमर एखन जे चीज हमरा नहीं नीक लाग रहा है तै के लेल हमरा लिखे के वा ओहि पर हमरा गपशप करे के तो अहाँ वैचारिक लेखन के माने छी वा ओहने लिखे छी वा सामान्य जे बात छे से बात करे छी। देखिए मुंजन जी हमरा हिसाब से माने हम जे सोचे छी जे कोनो तरह के लेखन छे वो एकटा विचारे से उत्पन्न होय छे एकटा विचार जे हमरा मन में आयल तो ओहि पर हम कनी सोचलिए ओहि पर मनन के लिए तहन ओहि विचार के माध्यम से हम अपन बात कहे छी जन कविता के माध्यम से या कथा जो कोनो बात रहे छे बिना विचार के तो लेखन असंभव छे हमरा हिसाब से जे एहनो अहाँ जे लिखे छे जे एहन चीज लिखा रहल छे तकर बहुत इम्पोर्टेंस नहि बुझा रहल छे लेकिन तै ओहो ओकरो ओहो एकटा विचार छे एकटा बात भेलै जे अहाँ विचार के लिखे छी एकटा भेलै जे अहाँ जे लिखलहुँ तैमे की विचार अहाँ लोक के की समाज देबऽ चाहै छी तऽ हाँ जे कोनो तरह के लेखन छै जे समाज में पहुँचे छै ओहिमे एकटा वैचारिक स्तर जरूर हेबाक चाही ओकर बिना तऽ एकर कोनो मतलब नहि रहि जाइ छै शायद। एखन मैथिली में वा मैथिली से अलगो जे भाषा है रशियन आदि सब के छोड़ देल जा तो भारतक जे भाषा छे ओहिमे बेसी ई देखे में आबि रहले है जे कवि बहुत छे कविता बहुत लिखा रहले है ई चिंता के विषय नहीं छे ई हम ई चिंताजनक बात नहीं कहे छी जे सामान्यतः लोग कहे छथिन जे चिंता के बात छे कवि बेसी छे ई समाज के लेल चिंता के विषय नहीं छे लेकिन एक बात एत होते जे अगर कोनो साहित्य में खाली कविते टा भ जते तो ओहिसे ओकर आनन जे विधा छे साहित्य के कथा छे संस्मरण छे यात्रा वृतांत छे आदि आदि आलोचना छे ई सब जे छे ई सब कमजोर पड़ जते तो कनी भाषा मकमका जते तो मैथिली में सेहो एहने सन हाल है जे अत्यधिक कवि सब छथि कवि के नाम पर कवि सेहो छथि आ जे कवि होइ छथि सेहो तेहनो सन कवि सब छथि तो मैथिली में एतेक कविता है एतेक कवि है ई सब देखैत कविता के केहन हाल लगैए मैथिली में कविता के की हाल छै आइ माने मैथिली कविता के सामान्यतः बात होइए जे वैश्विक लेखन विश्व कविता आहे माहे एकटा स्टैंडर्ड वर्ड सब जे छै से सब लोग बजैए ओहिमे मैथिली कविता के एखन के सिनेरियो अहाँ देख रहल यऽ चूँकि अहाँ आँखि पाँखि वाली लेखिका छी अहाँ पढ़ै छी अहाँ देखै छियै तऽ मैथिली कविता के केहन हिसाब किताब लगैए अजुका परिवेश में। देखिए अजुका परिवेश में मैथिली कविता लिखा रहा छे बहुत सत्य बात छे अके कोनो आनो भाषा में कविता लिखब जे लोग लिखब शुरू करैए जकरा कनी अवगत छे सोचा विचार के अपन बात शेयर कर के लोग सके से मोटा मोटी शुरू करैए कविता सब 100% नहीं छे लेकिन जनरल जे ओकरा वो उस आसान बुझाय छे अपन छोट बात में फ्रेज में एकटा सेट स्टैंजा में अपन बात कही दे लेकिन कविता लोग ले या लेकिन कविता आसान चीज नहीं छे कविता के अंतर तक पहुंचना बहुत गहिर चीज छे जे गहिर अंदर से निकले छे वह लोग लग पहुंचतो छे तो हर तरह चीज लिखा रहल छे नीक बात ई छे जे लिखाक चाही जहन लिखेते तखने ओमे से नीक अपेजा निकलते अचान लिखा के सोचा समझा के अवगत लोग में औरते तहन ओ आनो विधा में लोग अग्रसर होइ छै जेना हम ही शुरू केलहुँ कविता से लेकिन हमरा कखनो कमी रहैए जे हमर सबटा बात कविता में नहीं आबि सकैए तहन हमरा होइए जे कोनो चीज परछा के लिखी तहन हम कथा लिखै छी किएकि बहुत कम शब्द में कोनो एकटा इशू पर यदि हमरा बात करे के हम नहीं कर पाए कऽ पबै छी तहन हम की करै छी तहन हमरा होइए जे विराट रूप में कोना प्रस्तुत करिए तो उपन्यास लिखल जाए कथा लिखल जाए एसे लिखल जाए निबंध सब तो नहीं होते कि नहीं होते से बात नहीं लिखा रहा है स्कॉलर सब लिख रहा है
लेकिन एक सामान्य स्तर पर लोग के लेवल पर आवे में कि वो सब अपना के लिखा में रिसर्च करे पड़ते कने पढ़ाई करे पड़ते कने समय देवे पड़ते तो से होई छे भ रहल छे कवितो में जे लिखा रहल छे से सबका बजाय नहीं छे कि सबका नीचे नहीं छे जे नीक छे से तरह जते पाठकों लग में रहते आ समयों के अंतराल में बचते आ जे नहीं नीक छे से तकरा लोग पढ़िया किसे जे या नहीं पढ़े जे पूछा वाला लोग छे से पूछ जाए छे जे कौन चीज में क्वालिटी छे कौन नहीं छे से बाहर रह सकते यार एखन अहाँ कहलहुँ लेखन वैचारिक लेखन के अहाँ अखन सहमति देलिए वैचारिक लेखन हमरा से तो अब वैचारिक लेखन और राजनीतिक विचार से पूर्ण एक लेखन होइ छै जे माने कोनो पार्टी लाइन पर लिटरेचर जे लिखल जाइ छै तै मे और वैचारिक लेखन में अहाँ के की अंतर बुझाइए वा कोन बेसी अहाँ पे ओहो एक तरहक लेखन छै देखिए ओहो जरूरत छै ओहि समाज के प्रोपेगेंडा जकरा कहै छै जकरा एडवर्टाइजमेंट कहै छै जकरा लोग के अपना देश खींचब कहै छै ओ ओकर जरूरत छै तो वो अपना देश ओहो काज करबे करते अहाँ ओकरो नीक बेजा के कैटेगरी में नहीं दे सकै छी ओहो एकटा जरूरी चीज छै जे राजनीतिक रूप से जे लिखैया कि जो कोनो अपन विचारधारा के फॉलो करैया ओकरा ओ बुझाइ छै जे ओ सही छै तैं ओकरा फॉलो करै छै ओकरा होइ छै जे देश से समाज नीक दिस पड़तै तो ओ ओकरा सबके अपना दिस करै के कोशिश करै छै लेकिन लोग तो पाठक तो वह छै जे जे चीज सही लॉजिक में लगते से तो अपने ते जे नहीं लॉजिक में लगते से नहीं अपने जे अपना काज लगते से करते जे नहीं काज लगते से नहीं करते तो बेवकूफ तो नहीं बना जा सके पब्लिक के सेवा तो छै तहन वैचारिक लेखन के ई होइ छै फायदा जे ओ कोनो कोनो राजनीतिक पार्टी कोनो विचारधारा के माने वाला लोग होय नीक विचार सबके नीक लगते ओकरा उद्वेलित करते ओकर सोचे के ओकरा जरूरत महसूस होते और सोचते तहन ओ हिसाब से स्टेप्स लेते जे जरूरत छै समाज में जेतर राजनीति आ सामाजिक विचारधारा दोनों अलग अलग चीज छै आ दोनों अपना अपना जगह पर ठीक छै अपन अपन जरूरत छै शायरा जी अहाँ लेखिका छी और मैथिली में लेखिका के बहुत बहुत बेसी लेखिका नहीं छे की लगे अगर की कारण है मैथिली में एतेक कम लेखिका किया छे जहन के आनंद भारते के आनंद भाषा में देखियो कतेक लेखिका सब छे और कतेक नीक से लिख रहल छे बात सब और नया नया चीज लिख रहल छे और बहुत लोग पसंद कर रहलन है आ क्यों पढ़ला के बाद पसंद कर सके हिंदी के देख लो अंग्रेजियों में देख लिया आनंद जे तेसर में छे मैथिली में क्या नहीं एतेक नीक लेखिका वा बेसी लेखिका क्या नहीं आबि रहल छै एकटा झमटगर पतिहानी नहीं बनि पाबि रहल छै से किया मैथिली लेखन सेहो शुरुआत भेल छै अनेक शुरुआत भेल छै पहिनेहो एकदम नहीं छलै से बात नहीं छै तहन एकटा सामाजिक असर होइ छै पारिवारिक असर होइ छै ताहि सबसे निकलै में अलग अलग समाज के लोग के समय लग जाइ छै जेना कहल जाइ छै जे कलकत्ता या बंगाल ताहि समय के बात छै जे 50 साल आगुए सोचै छै जना कलकत्ता के या बंगाल के इतिहास पढ़े तहन देखे जे क्या बंगाली में स्त्री शिक्षा जहन पढ़ ले तहन वही हिसाब से लोग अपन एक्सप्रेस कल के लिखल के शेयर कल के की जरूरी है शिक्षा क्या जरूरी है वो सब अबे तबे विभिन्न माने देश के विभिन्न स्तर पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीका से लोग उठे छे अपना जगह से तो अपनो सबके ओठा मेहनत नहीं छे जे शिक्षा के प्रसार भेले या बेटी सब पढ़ रहल छथि बहुत पढ़ल लिखल लोग सब छथि जहन लोग बुझे छथिन जे किया जरूरी छे लिखब किया जरूरी छे साहित्य के आगू बढ़ाए कला के आगू बढ़ाए जहन वो बुझे लगे छथिन आ अपन कन्विक्शन आबि जाए छन जे हाँ आप ये हेबाके टा चाही तहन वो चीज आब आजका समय में बहुत बढ़ गेल छे आब बहुत लोग छथि जे सामने छथि भविष्य हमरा तो बहुत उज्जवल दिखाइए एखन तक जे बहुत लोग नहीं छे पुरान लोग सब बीच में माने कम भवे छले थे लेकिन एकटा समय छे जे कोनो एकटा बिंदु से शुरू हेबाक चाहिए से भेल छे अब अहि संग हम त और महान हमरा हम पूछा चाहे छी जे अहां के प्रिय लेखक सब के छे मैथिली वा विशेष का मैथिली में कहि जे अहां के अहां किनका बेर-बेर पढ़े छी घुर-घुर के हुनका पढ़े छी एहन में प्रिय लेखक सब के छे वा कवि कथाकार वा आनंद जहाँ पर है ख्याल से हाँ हम हमर एक टा बै जे मने कोन ककरो मने जे लिखा पढ़ा वाला लोग के तकरा हुई थी जो पढ़ी है तो हमर सिरमा अलग में दो तीन टा किताब रहती है जखन जेहन मोन भेल ते हिसाब से पढ़ी थी और फेवरेट कवि लेखक मैथिली में जे छे से सब बेसिक कविता जखन हम पढ़े छी तहन हम
राज कमल जी के पढ़े छी, तहन हम हरे कृष्ण झा के पढ़े छी, हम कृष्ण मोहन झा जी आसाम जितने छी छथि हुनका पढ़े छी, और अजीत आजाद जी के पढ़े छी, नारायण जी के पढ़े छी, कथा सब में श्री शंकर श्रीनिवास जी के पढ़े छी, श्री शंकर श्रीनिवास के हम नारायण जी के कथा पढ़ने छी, हमरा प्रभास कुमार चौधरी ललित के कथा सब बहुत निक लागल। हम एखन हम बहुत नहीं रही पढ़ने मणिपद्म जी के, लेकिन शारदा जी ई सबटा तो माने ओ लिखकत नाम है जिनका पढ़ब अनिवार्य है, पढ़वा के चाहिए। हां तो अनिवार्य है से हो गए छी। हम फेवरेट वाला हम पूछला हमर पूछबाक मतलब छै जे अहाँके प्रिय लेखक के छै, माने किनका अहाँ घूर घूर के पढ़ा चाहे छी, जेना हम अज्ञेय के बहुत पसंद करै छियनि, मुक्तिबोध के हम घूर घूर के पढ़े छियनि, मैथिली में हरिकृष्ण झा के हम बहुत माने बेर बेर पढ़े छियनि, मेरे कई किताब सन हम बेर बेर पढ़े छियनि, तेना अहाँ के प्रिय लेखक के छै, विशेष कर मैथिली में हम पूछा चाहब जे कविता क्या लिखे छी, तो कविते में कविता में हम अजीत जी के पढ़े छी, हम नारायण जी के पढ़े छी, हम हरिकृष्ण झा जी के पढ़े छी, हम नॉवल लोग सब के पढ़े छी, विकास वत्सनाथ के पढ़े छी, बाल मुकुंद के पढ़े छी। जेना नारायण जी के नाम अपने ले, नारायण जी अपने के क्या प्रिय लगे छै, माने हुनकर की एहन बात है, हुनकर हुनकर कविता ततेक सहज रूप से कोनो चीज के स्थापित करे छै, वो जे बात माने छै नेचर में, कोनो चीज जे हुनका लगे छन जे हुनका प्रभावित करे छन, ओकरा बहुत नीक ढंग से ओ इमेजरी तक प्रेजेंट करे छथि। तो हुनका जेना के क्या पढ़े छन, हरे कृष्ण झा के हम कहै छी क्या पढ़े छी, ओ बहुत करे कटा किताब छन जेना अहाँ कहलिए, आ कोनो बहुतो साल से कविता लिखे छै, तखन ओ एकटा किताब छपेलक, हम हुनकर एकटा कविता पढ़ैत रही जे 1984 में लिखल गेल छै, ठीक छै, ओकर हम अहाँके ओकर उदाहरण कविता के नाम अमृता छे, नहीं हमरा मन बहुत बहुत कविता छे, लेकिन हमरा जे जी जी हम जे कह चाहि रहल छी 1984 के लिखल कविता छे, आ कविता के शीर्षक छे आप फेर से, ओय में एकटा स्टैंजा हम अहाँ के कहै छी जे कतेक साल पहले लिखल गेल छी, आइयो के डेट पे 25-30 साल के बाद 35-50 साल के बाद ओतबे प्रासंगिक छे, से क्या होइ छै, ई एहन नै छै जे आइ अहाँ पढ़लो काल्हि ओ अहाँके हाथ पे की लिखल छै, हम अहाँके एकटा छोटे अंतिम पाठ पढ़ के सुनबै छी। जी 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 प्लीज जी, जे ई कते आजका समय में कते प्रासंगिक छै, नै आप नै आप काहे काटब पात खिलाद, नै आप काहे काटब पात खिलाद, एक समय दोसर समय बीच उमड़े तेज घुमड़े दे छे टा इच्छा बेसी काले कही छन अलौकिक भ जाए काल अपने सब प्रकट भ जाए काह कूह साफ जना प्रकट भेल सबसे बेर अंतरिक्ष में कुलायल होत पहिर गेल खेल। हाँ बहुत सुंदर, सब परेशान जी अपना के केना के पॉजिटिव राखी एते के मन में, लेकिन वो क्या कथा लिखला पर अपन चार आदमी संबंध रखे कर कथा से। जी जी हम एक हम श्रोता सबके एक जनतब दें जे हरिकृष्ण झा मैथिली के बेजोड़ कवि छथि, माने छलथि कवि तऽ छलथि, आब ओ उपस्थित नहि छथि हमरा सबक सोझा, हुनकर एकटा संग्रह एखन जे शारदा जी कविता पढ़े छलिए हैं, ओहि संग्रह के नाम छै एना तऽ नहि जे, एकमात्र संग्रह छनि हरिकृष्ण झा के, ओहि काव्य संग्रह के पढ़ल जेबाक चाही, बल्कि बेर बेर पढ़ल जेबाक चाही। ओकर गप सब के आगू बढ़बै छी, अहाँ के कविता पर बात करै छी जे देश दुनिया में बहुत रास बात भ रहल है शारदा जी, आई हम हाल में एकटा क्लाइमेट रियलिटी के ट्रेनिंग करै छलहुँ हँ, 9 दिन तक काल्हि खत्म भेल है, ओ जे क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट USA के छलै, ओहिमे हम लगभग 190 देश के स्थिति बुझल है पिछला 9 दिन में, स्पेशली क्लाइमेट क्राइसिस तै पर। ब्राजील में लोग परेशान है, आन आन कंट्री में लोग परेशान है, भारत में परेशान है, अहाँ हैदराबाद में छी, हैदराबाद में एखन परेशानी है, हम सब ठाम ही परेशानी है, एतेक परेशानी है पूरा दुनिया में, लेकिन अहाँ के कविता में ई परेशानी के दबाव नहीं अबैया, अहाँ बहुत
सहजता से अपन बात कहित रहे छी या अहां के जे कहबा के से अहां अपन कहित रहे छी, चाहे वो प्रेम हुआ वा अनुराग हुआ वा आनंद जे अहां के अपन बातें से अहां कह रहल छी, तो किया एतिक देश दुनिया में एतिक व्यवस्था भ रहल है अहां एकरा अपना कविता में नहीं आने छे, ई अनायास छे वा ईसायास छे अहां की यह स्टाइल है आ कि यहां से छूट जा रहल है? देखियो कर जवाब अनायास आ सायास कहे जो दोनों से किया तो जहां संसार में इतने तरह नेगेटिविटी पसरल से नकारात्मकता पसरल से इतने तरह चीज भ रहल छे तहन हम सब तो सब गोटे देख रहल छी जे की खराब भ रहल छे, सब पर ओकर असर भ रहल छे है, तहन और परिस्थिति नीक केना हेतै या जे परिस्थिति हम सब देख रहल छी जे में सब परेशान जूझ रहल है ओकर बेटर ऑप्शन की छै, हम सब कत जाब जे ए सब से छुटकारा पाए, संसार में सबटा खराबे नै छै सबटा नीक नै छै, सबटा नीक नै छै से तो देखा रहल है, नीक की छै से देखाब ककर काज छै, से तो हमरे काज छै ने, जहां जी जहां हम ककरो कहि रहल छी जे प्रेम के बात करक चाहिए, जहां हम देखे छी अपन आसपास में प्रेम खत्म भ रहल छै, लोग के विश्वास उठल जा रहल छै प्रेम पर से, तहन तो हम हमर एक काज आर बेसी महत्वपूर्ण भ जाय छै जे हम बात कहिए जे नै छै जीवन में आशा छै, जीवन में प्रेम छै, जीवन में जते नीक चीज छै सबटा छै, आ लड़ी घड़ी के ओही में से अपन बात अपन जे पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा छै ओही में से निकालक छै, समाज तक नै बचतै, नकारात्मकता तो छै ही, हमरा हम जखन प्रेम के भाव लिखै छी तहन ओहिमे सब तरहक चिंता रहै छै तखन लिखै छी, कियाकि हम प्रसन्न छी आ हम प्रेम में छी ताहि दुआरे प्रेमक कविता लिखै छी, हमर कविता जेना अहाँ कहलहुँ हमर कविता, कविता प्रेम कविताक बात शीर्षक प्रेम कविताक बात, तऽ प्रेम एकदम बेसिक जे जीवन के मूल्य छै जतऽ से जीवन शुरू होइ छै वएह टा छै, घुरि कऽ अहाँ पूरा संसार जहाँ राखू वएह लोक दंगा फसाद सबटा से जे एकटा मनुष्य मात्र छै ओ कहीं ठाम आबि कऽ ओ सबटा चिंता मे सब वएह बात जी शीर्षक पर अहाँ चर्चा के लिए तो अहाँ लिखी छी प्रेम कविता, प्रेम के गप करे छी अपना कविता में, अहाँ के शीर्षक हो या प्रेम कविता के बाद अहाँ जीवनक गप करे छी, अहाँ के कविता में अनुराग हो या और अहाँ के शीर्षक हो या बीत जयबाक क्रम में, एना क्या हुआ ई ई ई कोन फार्मूला छै ई अहाँ सायास करे छी वा ई अनायास भ गेलै? नहीं ई हमर बात है जे हम अपन बात कह चाहे छी जे हिसाब से ओ हमर बात है जे जी प्रेम जे सतही स्तर पर प्रेम छै जे कॉलेज में लोग प्रेम करे या ओ ओतबा प्रेम नै छै, ओइ प्रेम के बाद दुनिया जहान के अहाँ कोना अपना में समेटबै, अहाँ में संवेदना कोना आयत जो प्रेम बाचल रहत, प्रेम कविता के बाद के प्रेम ओतऽ से शुरू होइ छै, हमर प्रेम ओतऽ से शुरू होइ छै, जहां हम कहै छी कि जयबाग क्रम में हाँ जेना दोसर कविता संग्रह के बारे में पूछलहुँ बीत जयबाक क्रम में जे छै बीत तो हम सब गोटे रहल छी, समय हमरा सबक बीत रहल है, लेकिन ओ बीत जयबाक शब्द के आगू में छै क्रम में जतऽ जीवन छै जतऽ मृत्यु से पहिने जतऽ जन्म छै ततऽ जतऽ हम सब बीत रहल छी ओहि क्रम में जीवन छै जतऽ संघर्ष छै जतऽ वेदना छै जतऽ पीड़ा छै ओकर सबक बात छै, तैं ओ बीत जयबाक क्रम में छै, हम सब बीतल नै छी एखन। अच्छा क्रम में छी जी, हम एकटा बात पूछे चाहे छी जे एखन अहाँ फेसबुक देखे छी वा अहाँ सोशल साइट्स पर एक्टिव छी, अहाँ देखबे एखन जे कविता में जे बात भ रहल है वो बहुत मने अराजक स्थिति सं कहल जा सके छै, एखुनका के जे किछ लेखक के अगर छोड़ देल जाए जे सीरियसली कविता लिखै छै तिनका छोड़ कर अत्यधिक मने बेसी लोग जे छथिन से अराजक स्थिति उत्पन्न कयने छथिन विशेषतः कविता में, ओहिमे होइ छै कि जे एकटा अब जेना एकटा एग्जाम्पल कहै छी एकटा एकटा मैथिली के एकटा लेखक हमरा संग अपन एक्सपीरियंस शेयर करैत रहते, हम लिटरेचर फेस्टिवल दिल्ली में रही तब ऑफ द कैमरा ओ कहैत रहते हमरा जे हम तो भाई डेली एकटा कविता पोस्ट करे के नियम बना लेने छियै फेसबुक पर, मतलब हुनकर दैनिक जीवनचर्या छनि एकटा कविता फेसबुक पर पोस्ट केनाइ वा गजल वा किछो, डेली एकटा रचना पोस्ट हेबाके चाही,
एकरा हम कहै छी जे एकटा ई माने दैनिक कविता लिखै छै अथवा दैनिक साहित्य करै छै। एहिमे की होइ छै, कविता के माने निर्माण होबय लगै छै, माने मैन्युफैक्चर्ड वे मे कविता आबय लगै छै। लेकिन की कविता निर्माणे के लेल निर्माणे के चीज छै वा निर्माणे के बाद एबाक चाही, आकि सृजन के कोनो बात होइ छै, कि क्रिएटिव वर्क छै कविता वा मैन्युफैक्चर्ड वर्क छै, एकरा केना देखै छी? क्रिएटिव और मैन्युफैक्चर्ड के जे कॉन्सेप्ट आइ डेवलप भऽ रहल छै वा एना सायास वा अनायास, एकरा अहाँ केना जस्टिफाई करै छी वा केना अहाँ देखै छी एकरा? कविता निश्चित रूपे एकटा क्रिएटिव वर्क छै, जाबे भीतर से नहि निकलत अहाँ क्रिएट नहि कऽ सकै छी। एकटा फॉर्मूला में बांधि कऽ हम एकटा टीचर छी, हमरा छोट से छोट बच्चा सबके जहन सिखबै छियै ओकरा सबके फॉर्मूला दै छियै, बेटा एना एना कर लिख ई छै आ एना कर लिखबी तऽ एकटा कविता बनतो, ई छै ओकरा जगावा के स्थिति, ओकरा ओहि लाइन में आना के स्थिति, ओकरा बुझावा के जे ई चीज पॉसिबल छै, जे कब लिखल जा सकै छै, कविता के फॉर्मेट की छै, ओकर रूप सजा केहन हेतै, ओहिमे केहन अहाँ अलंकार देबै, एहि तरह चीज ई जे ई स्कूल के लेवल पर छोट बच्चा सबके जे सिखबै छियै तेना वाला बात भेलै। लेकिन जहन अहाँ एकटा परिपक्व कवि के रूप मे अहाँ लिखै छियै, जिम्मेदारी के काज छै, जिम्मेदारी खाली अहिना नहि होइ छै, कखनो कखनो कोनो कविता अहाँके फंसा करा कऽ छओ मास अहाँ ओकरा कम्प्लीट नहि कऽ सकब, अहाँके अहाँके बात ओहिमे नहि आयत, अहाँ उझरायल रहब, तऽ जे लिख रहल छथि से अपन तरीका से कोशिश कर रहल छथि ओहि स्तर पर पहुँचबाक जतय हुनका पहुँचऽ के छनि, तऽ यदि हुनका होइ छनि जे रोज एकटा लिख कऽ प्रैक्टिस कऽ कऽ तऽ पहुँच सकता, तऽ शायद पहुँच सकता। कृष्णमोहन जी के कमेंट अभी बात में जोड़ी जी, कृष्णमोहन जी कहे छे जे कविता ने भेल नित्य कर्म भ गेली, माने रुचि ना के चाही। जी जी सा आसान नहीं छे कविता रोज एकटा लिख कऽ, माने अहाँ जेना हम फॉर्मूला के सेंस में कहलौं जे हम बिना ककरो नाम लेने एकटा बात कही अहाँ के, जे अहाँ देखबै अहूँ देखैत हेबै फेसबुक मे जे एकटा लघु कथा के इंटर कऽ कऽ माने कोनो रिदम नहि छै कविता के लाइन मे, पहिल लाइन दोसर लाइन सँ माने रिलेट नहि करै छै, पहिल लाइन कतौ दोसर लाइन कतौ, पहिल लाइन मे कतबो आखर दोसर लाइन मे कतबो आखर, वा एक एक पाइप मे दूटा के दूटा के दूटा के, माने एकटा वर्ड के पिरामिड बना ले ओकरा कविता कहि दे, लाइन नहि भेटत अहाँके कविता मे, छंद के बात नहीं करै छी, एकटा वैचारिक लय होइ छै, से जे लय नहीं रहत ओहिमे तऽ फेर बात नहीं बनल अहाँ, जाहिमे लय लय रहत संगीत रहै छै एक तरह अथी मे, ओकर आंतरिक संगीत के जे बात छै कविता के, ओ खुलत अहाँके, ओ जहन अहाँ कोनो पढ़बै कोनो नीक चीज तऽ अहाँके मोन प्रफुल्लित भऽ जायत, से अहाँ नहि बुझि सकबै जे किया भेल, किया नीक लागल, बहुत पसंद भेल, लेकिन एहि तरहक बात अबै छै। रोज लिखना है तो एक तरह का प्रैक्टिस हम कहबन जो करब तो नीक छे, लेकिन बात तो जे नीक हेतै सह ठहरते, बाकी तो ठहरते। एकटा अही संग एकटा छोट सन सवाल हमरा मन होइए करे के, जे कविता लिखब मे और कवि होब मे ई की अंतर छे, माने कि हम लिख देलियै एकटा कविता सन किछु तऽ हम कवि भ गेलियै, वा हमरा कवि होबाक लेल आनो आन तैयारी करबाक चाही, वा जे जे स्तर पर रहे पढ़ाई लिखाई वैचारिक आदि आदि जे सब छै, तऽ कविता लिखब आ कवि होयब मे की अंतर अहाँ बुझै छी? वा देखियौ, यदि यदि एकरा एकदम फैक्चुअली या कवि एक स्तर पर राखि कऽ देखबै तऽ कविये कविता लिख सकै छथि, सब गोटे कविता नहि हेतै, जे सही सही मायना मे जे कविता छै जाहिमे अहाँके विचार अइ, जे बहुत प्राइमरी कॉन्टेंट होइ छै, विचार अइ अहाँके, ओहिमे शिल्प अइ अहाँके, ओहिमे लय अइ अहाँके, ओहिमे अलंकार जतय जरूरत अइ अहाँ से धरै छी, तऽ ओकर एकटा नॉट एग्जैक्टली फॉर्मैट बट ओकर अपन एकटा बात होइ छै कवितामे, कविता तऽ अलग छै कोनो लेख सँ कि कथा सँ कि उपन्यास सँ कि कोनो तरहक एहन बात सँ, तऽ से जे सही रूपमे जे कवि कविता लिखायल छै ओ लिखयवला कवि छथि, लेकिन अहाँ कोनो तरहक जेना अहाँ कहलियै जे जेना रिपोर्ट न्यूज पेपर रिपोर्ट जकाँ अहाँके आइ जे न्यूज मे भेल कि अहाँ पेपर मे पढ़लहुँ ताहि पर अहाँके जे विचार भेल तकरा अहाँ छोट 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 कऽ के लिख देलियै तऽ ओ कविता नहि भेलै, ओहिमे अहाँ ओ आइ यदि ओ रीजन
एग्जिस्ट करै छै त अहाँके कविता सार्थक हैत, काल ओरिजिन खत्म भऽ गेलै त कविता कोनो मतलब नहि। आइ हम 1984 के पढ़ल कविता पढ़ै छी, अपना सँ रिलेट करै छी। आ पिछला मास में जे कविता लिखल गेल छै पहिले ओ इशू खत्म भऽ गेलै, हमरा वाला ओ कविता कोनो अर्थ, तेहन कविता के कोनो अर्थ नहि छै। तैं तैयारी तऽ चाहबे करै, अहाँ यदि अंदर से परिपक्व एकटा परिपक्व मनुख नहि हैब, अहाँमे ओ संवेदना नहि हैत, अहाँके यदि सामाजिक दायित्व बोध नहि अछि, तऽ अहाँ कतऽ सँ अपन बात ओतय तक पहुँचा सकबै जे अहाँ सोचै छी जे अहाँके काज हालांकि अहाँ के व्यक्तिगत मामला है, लेकिन तैयो एक हमरा लगे जे सुननहार के वा आगू के जे लोक सब छी ओकरा लेल एकटा ई नीक सवाल रहते तैं हम पूछ चाहे छी जे अहाँ दुनू प्राणी लेखक छी। हम दंतव्य दर्शक अपने लोकन के जे मनोज सैंडिल एकटा मैथिली के बहुत सशक्त कवि छथि, और मनोज सैंडिल आ शारदा जी ई दुनू पति पत्नी छथि। तो शारदा जी अहाँ अपनो लेखिका छी, अहाँ के हस्बैंड सेहो लेखिका छथि, दुनू प्राणी अहाँ मने लेखक छथि, सॉरी दुनू प्राणी अहाँ लेखक छी, कतेक मुश्किल वा कतेक आसान छै ई एडजस्ट करब, वा अहाँ प्रेफर करबे अगर सामने जना मान लिया अहाँ के जे नेक्स्ट जनरेशन वा अहाँ से जे जूनियर है कोनो आदमी ओ कोनो कवित्री से ब्याह करय चाहे छै सपोज, तो अहाँ एकरा सजेस्ट करबे जे दुनू प्राणी लेखक होती ई नीक भेले वा बेजाय भेले ऑन द बेसिस ऑफ अहाँ के अपन एक्सपीरियंस? देखिए हमरा लए तो बहुत नीक है से किया जेना अहाँ बुझै छियै जे कोनो जेना अहाँ एहिठाम छलहुँ हँ कि आर लोक सब जहन एकटा साहित्यिक परिवेश चाही कवि के कि लेखक के जे ओहि तरहक बातचीत होय, ओहि तरहक अहाँके ऊर्जा भेटै, ओहि तरहक वैचारिक डिस्कशन होय, तऽ अहाँ नीक बजा के फर्क महसूस करै छी। जे जनरली नीक कवि सब जे छथि अहाँके हिंदी में बुझियो कि अंग्रेजी में बुझियो कि मैथिली में बुझियो, ओ हमेशा एकटा ग्रुप में रहै छथि, ओहि तरहक बात एक तरहक बात होइ छै, और ओहिसँ नीक फायदा निकल कऽ अबै छै। हमरा सबके की होइए, दू गोटा हमसब परिवारक स्तर पर समाजमे तऽ बुझै दू गोटा पति पत्नी छी, लेकिन जहन साहित्य के बात अबै छै हमसब दू इंडिविजुअल छी, एहिठाम हमसब एक दूसरा के इन्फ्लुएंस नहि करै छी कोनो तरह, लेकिन हमसब हमेशा एक दूसरा के बात सुनल है या एक दूसरा से डिस्कस करल है तैयार रहै छी। से ओ किछु लिखला तखन कि हम किछु लिखलहुँ तखन, हमरा सबके ई टसर नहि होइए या ई दिक्कत नहि होइए जे आप लिखलहुँ तऽ ककरा सुनबियै, ककरा पढ़बियै, के पूछत हमर बात, से नहि अइ। तऽ नीक बेजाय सब तरहक सजेशन भेटैए, हमहूँ दै छियनि ओहो दै छथि, आ तऽ ई सजेस्ट करै वाला बात नहि छै, ई किस्मत के बात छै, अहाँके भगवान के बारे में लिखला है तऽ दू गोटे एक रंग भेटा, एक रंग के होय तऽ ओहिमे कॉम्पिटिशन के भावना बहुत जगह आबि जाइ छै, सेहो होइ छै, लेकिन हमरा सब से नहि अपन समझदारी के लोक रहै छै, से ताहू पर डिपेंड करै छै, आ ई बहुत यदि आपस में अंडरस्टैंडिंग दू गोटा के नीक होय तऽ जरूर सजेस्ट करबै जे हेबाक चाही। हम देखने छियै जे लोक जे मने हमर एकटा कवित्री छै ओ लिखै छै बहुत बढ़िया, लेकिन हुनका बात बुझै वाला क्यों नहि छै, ओ लिखै छै लोक तकै छै ककरा से शेयर करू ककरा पढ़ाओ, तऽ मुश्किल होइ छै हुनका, या एहन बहुतो लोक हेता जिनका एहन परिस्थिति उत्पन्न होइ छै, यदि सामने वाला या जे पार्टनर रहै छै हस्बैंड या वाइफ जे केओ एतेक एतेक प्रेम करै वाला होथिन या एक्सेप्टेंस होइन, यदि सामने वाला नहियो लेखक या लेखिका छै तो हुनकर बात सुनैत समझैत ओहिपर फीडबैक देथिन, तो इहो आपस के अंडरस्टैंडिंग के बात छै, दुनू के लेखब लेखिका होइब जरूरी नहि छै, लेकिन यदि छै तऽ नीक बात, हमरा हमरा सब लेके तऽ बहुत बहुत बढ़िया, बहुत नीक। अहाँके जब अहाँके जवाबक बीच मे उषा किरण खान इनका हम ई कहि जायत कमेंट लिखने जे प्रतियोगिता तऽ नहि होइए दुनू प्राणी मे एक तरह से जखन अहाँ देखबै जे हमसब दुनू गोटे दू तरहक बात लिखै छी, लेकिन हमर सबके उद्देश्य एकै अछि, ठीक छै, अपन अपन टेम्परामेंट के हिसाब से ओ लिखै छथि, अपन इंडिविजुअलिटी अपन जेहन ओ लोक छथि जेहन हुनकर
प्रभाव ओहि हिसाबसँ लिखै छथि। हम जे लिखै छी से हम जेहन छी भीतरी रूपसँ अपन आन्तरिक रूपसँ हम ओहन बात लिखै छी, लेकिन एहन बात नहि छै जे हुनकर बात हमरा नहि बुझैया कि हमर बात हुनका नहि बुझै। तऽ ई प्लस पॉइंट छै हमरा हमरा हिसाबसँ, हमरा सब लिखै बहुत फायदा के चीज है। जी 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 अहाँ तऽ मने महिला छी, अपना समाजमे ई हालांकि नहि हेबाक चाही मुदा छै, सत्य सत्य जकाँ नहि एकटा ई मने एकटा एकटा छै मिथ जकाँ एकटा ई छै अपना एहिठाम जे पुरुष कनि बेसी काबिल छै अपना एहिठाम, काबिल काबिल के हम मने व्यङ्गमे कहि रहल छी, एकरा से एडजेक्टिवमे नहि लेल जाय, विशेषणमे नहि लेल जाय, से कनि बेसी काबिल छै अपना ओहिठाम, तो ओकरा जे मोन हेतै से लिख सकैए, ओकरा कोनो दिक्कत नहि छै, ओकरा इमेज के संकट नहि छै, समाज ओकरा पर प्रेशर करबो करतै तऽ ओकर की हेतै, तेहन सन एकटा बात छै। लेकिन अहाँ तऽ लेखिका छी, महिला छी, तऽ महिला मतलब बीइंग अ फीमेल राइटर अहाँके ई कहियो ई मोनमे भेल जे हम ई चीज लिखऽ चाहै छी मुदा चूंकि हम महिला छी तऽ हम ई नहि मने नहि लिख सकै छी वा हमरा नहि लिखबाक चाही, कोनो एहन कहियो फीलिंग आयल मनमे कोनो सब्जेक्ट लऽ कऽ? से कहियो हमरा पर दबाव रहल एहन बात छै जे हमरा जे मोन भेल से हम नहि लिख सकब कि नहि लिखलहुँ। जे मोनमे आयल जे समय के हिसाब से कि अपन जे सामाजिक संदर्भ देखै छी, जखन जे मोनमे आयल से हम ओ बात लिखने छी। तऽ जेना कहलहुँ जे सब बात कवितामे जे नहि अबै छै या नहि आबि सकैए तब हम कथा लिखलहुँ, एकटा कथा लिखने छी, लिखने छी, ओ समलैंगिकता पर छै। ओ हम पठेलियनि किछु लोक सबके पढ़ऽ लए, किछु लोक ओ बातसँ अग्री केला, किछु नहि अग्री केला, किछु ओकर अन्तके बदलावके कहलनि जे भाई एना नहि एना, सबक अपन अपन राय छलैए ओहिपर। किछु कहला जे कथाके विषय वस्तुपर हम नहि कहब जे बहुत ठीक अइ, हमरा नहि ठीक लगैए, लेकिन कथा ठीक अइ, मने फॉर्मेटमे ठीक अइ, लेकिन एकर विषय एहन नहि हेबाक चाही। तब कोई फर्क नहि पड़ै छै हमरा जे लिखऽके जे बातमे हमरा कन्विक्शन अइ जे भाई ई सही छै, मनुष्यताके आधार पर सब गोटेके जीवाक अधिकार छै, सबके अपन अपन जीवन छै, तऽ यदि हम ओहि बातपर विश्वास करै छी तऽ हम ओहिपर लिखै छी। आओर एहन तरह कोनो बात जे हमरा लिखऽके हैत हम जरूरे लिखब। हम हिन्दियोके अथीमे कवितामे हम एकटा जे यौन शोषण बच्चा सभक होइ छै ताहिपर हम लिखने छी कविता, बहुत खरीच भऽ कऽ लिखल। तऽ जे कोनो चीज होइ छै जे हमरा इफेक्ट करैए तऽ हम ओहिपर जरूर लिखै छी। बहुत बात छै जे एखन लिखल जेबाक चाही आ जरूरे लिखै छै। अहाँके कविता, अहाँके कवितामे गामक बहुत मने गामक बात इन दी सेंस कि गाम मने एकटा सामान्य चलन अइ मैथिलीमे, चलन नहि बल्कि स्थापना सन कहल जाय, आइ काल्हि तऽ लोक स्थापना कऽ देने छै, एकरा एकटा मैथिली कविता ओ भेलै जाहिमे हमरा एकटा हास मने स्टोरी हमरा लगमे जे एकटा सभा होइत रहै ओहिमे एकटा व्यक्ति कहलखिन हम कविता लिख कऽ नहि आयल छी आओर हमर जे कविता से देश दुनिया वाला बात छै, तऽ एकटा सीनियर लेखक कहलखिन जे एहिमे कोन बात छै, जतऽ जतऽ देश दुनियामे जतऽ वियतनाम लिखने छियौ तऽ मिथिला कऽ दियौ, तऽ मधुबनी कऽ दियौ, तऽ दरभंगा कऽ दियौ, ओ मिथिलाके कविता भऽ जायत। ई सत्य घटना, ई हम मने ओतऽ प्रेजेंट छी जतऽ ई चीज भेलै, तऽ हालांकि हासमे रहै, ई कमेंट रहै आइ काल्हिके कविता पर, लेकिन मैथिलीके कवितामे मने मिथिले अबै, मैथिलीके कवितामे मैथिले वला बात अबै, से सब जे एकटा चीज छै एकटा स्थापित भऽ गेल छै अपना सिस्टममे। अहाँके कवितामे मिथिलाके ग्रामीण परिवेश सेहो अबैया, ग्रामीण परिवेश इन दी सेंस खाली स्थान नहि, गामके संस्कार, गामके सरोकार, गामके जे एकटा मने सुगन्धी छै से, आ जहन कि अहाँके जन्म भेलै बोकारोमे, अहाँ पढ़ने छी BHU से, एखन अहाँ रहि रहल छी हैदराबादमे, तऽ जतऽ अहाँ रहल नहि छियै, जे परिवेशमे अहाँ रहल नहि छियै, ओहिठामक बात एतेक नीकसँ अहाँ कोना लिखै छी, ई केना अहाँसँ सम्भव ई चीज, अहाँ केना एकरा सम्भव केलियै? देखियौ, गाममे रहल नहि छी लेकिन गामसँ कटल नहि छी, गाम मने रेगुलरली जाइ छी, सब साल जाइ छी, कहियो एहन भेल जे दू साल भेलै जे नहि जा सकलहुँ कोनो कारणे, लेकिन आइसँ नहि, जहियासँ छोट रही तहियासँ हमरा सबके गर्मी छुट्टी जे होइ इसकुलमे तऽ हमसब गाम जाइ, आ तकर बादसँ जहन सासुरो अयलहुँ हँ तकर बादसँ सब बेर गामसँ जुड़ल छी। अपन परिवार एखनो तक जे अइ से एहन नहि अइ जे घरमे
कोनो आन भाषा चलैया मैथिलीमे बजै छी तऽ जे संस्कार ओतऽ सँ आयल छै जाइ छी तखन लोकसँ जुड़ै छी आ जे दूर गाम पर छथि तिनको सँ दूरभाषा ओना जुड़ल रहै छी तऽ गाम अलग नहि है हमरा सँ कहियो नहि रहत तैं ओ बात आ दोसर लोक के देखै छी सुनै छी तब सबसे बहुत चीज सीखै छी गाम पर रहब हमरा लग कहियो असोकर्ज नहि रहल ई नहि रहल जे हम एतऽ रहलहुँ आइयो जे मौका भेटत तऽ गाम मतलब अहाँ अपना स्वभाव में अहाँ अपना व्यक्तित्व में गाम के जीवै छी तैं अहाँ के बात हो गई सब 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 तरह अब पारिवारिक जे एतेक महिला पर एकटा माने एकटा अपना माने समाज में छै एहन बात जे अगर पुरुष नौकरी में छै तो वो बहुत जल्दी थाक जाए छै वो अगर ऑफिस से गाम पर एलै है तो बहुत थाकल छै किया तो बहुत काज कऽ के लिए भले ही भरि दिन एसी में बैसल छै कंप्यूटर खोलने छै वो काज कर रहल छै लेकिन वो गाम पर जे एलै तो बहुत थाकल छै एट द सेम टाइम जखन महिला एकटा वर्किंग वुमेन अपना एहिठाम के जहन वो अपना ऑफिस से गाम पर एलै है तो बिल्कुल थाकल नहि छै किएक तऽ ओकरा अपना पति लेल चाय बनेबाक छै ओकरा अपना हस्बैंड लेल भोजन बनेबाक छै ओकर साउस बीमार छथिन तऽ ओकरा दवाई देबाक छै ओकर ससुर परेशान छथिन तऽ ओकरा हुनका निमेरा करैक छै महिला थकै नहि छै अपना जीवनमे तऽ पारिवारिक जे एतेक मने दायित्व होइ छै एकटा महिला पर से अहूँ पर निश्चित रूपसँ होयत वा अछि एहन सन परिवेशमे केना मैनेज करै छी लेखन परिवार समाज अहाँ चूंकि सबसे जुड़ल लोग छी अहाँ मने अहाँ स्नेहक लोग छी अहाँ से जे जुड़ल व्यक्ति ओहि बात जनैए अहाँ कतेक मने स्नेहिल महिला छी से तो अहाँ केना मैनेज करै छी एते चीज पारिवारिक एतेक जे परेशानी वा एकटा परेशानी नहि एकरा फेमिनिस्ट परेशानी सेहो कहि सकै छथि एकटा सामान्य आदमी एकटा दायित्व सेहो कहि सकैए अहाँ जे कहऽ चाही अपना अनुसार एकरा कहि सकै छी एकरा केना मैनेज करै छी वा एकरा एहिपर अहाँके की कमेंट अछि देखियौ ई तऽ जरूर बात छै जे असगर दुनिया क्यों नहीं टिका सके अपना कन्हा पर ओकरा सपोर्ट सिस्टम चाहबे टा करी आ परिवारे टा सपोर्ट भ सकै छै एहन एहन बहुत नीक लोक छथि बहुत गुणी लोक सब छथि जे बहुत आगू जा सकै छथि तऽ परिवारक सपोर्ट नहि भेटलनि तऽ ओ कतौ नहि छथि कियाकि हुनका कोनो आर कोनो रास्ता नहि रहलनि या तऽ अहाँ झगड़ पगड़ के अहाँ घर सँ निकलि जाउ तहन अहाँ असगर रहू तहन अहाँ अपन दुनिया बनाउ आ नहि तऽ फेर या जे बहुत लोग समझौता करै छै लेकिन सबसे माने नीक जे परिस्थिति होइ छै तखन जखन परिवार संग दै छै जहन बुझै छै जे भाई फलना काज करै छै तऽ ओकरा समय चाहिए हमरा घर में ई सब सबटा छै हमर जे सास छथि कि हमर ससुर छलथि हैं कि आनो लोग आना लोग सब जे केओ छथि कि हमर समाजो के लोग सब बुझै छथिन जे स्कूलों में काज करै छथि कि घर में काज करै छथि कि लिखै छथि आ एहि सब जतेक नीक बेजाय जतेक परिस्थिति छै ई सबटा जे छै से हमर हमर जे सृजनशीलता एतय में खाद के काज करै छै बुझलियै ओतऽ सँ उपजै छै हम कतौ बहुत बिजी छी हम बहुत जल्दी थाकल छी तैयो हमर दिमाग में ओ काज चलि रहल अछि हमरा जे चलक चाही जे अंदरूनी काज छै से चलैत रहै छै ओहिमे जे कियाकि लेखन कोनो समयबद्ध काज नहि छै कि जेना हमरा स्कूल के टाइम में 8 बजे से 4 बजे तक किछु नहि कऽ सकै छी हमरा ततेक काज रहैए से लेकिन यदि हम तकर बाद अपन किचने में बिजी छी तऽ हम ओहि टाइम सोचि रहल छी हमरा की करै के हम जहन उछान पर एलहुँ हम अपन टिप लेलहुँ जे लिखऽ के से बाद में जखन समय भेल तहन हम ओकरा अपन विस्तार केलहुँ कि अपन ओकर काज केलहुँ तऽ चैलेंजेस तऽ छै औरत संगे डेफिनेटली चैलेंज छै हमरा नीक परिस्थिति भेट गेल सबके नहि भेटै छै हम ओहिमे सीख लेलहुँ सब नहि सकै छी सेहो बात छै कियाकि आइ काल्हि के जे समाज में स्थिति बनलै है सब तरहक जिम्मेदारी औरतें पर नहीं छै पुरुषों पर छै परेशानी खाली स्त्री पर नहीं छै लेकिन सबक ओकरा झेला के ओकरा बुझा के स्तर अलग अलग होइ छै ओकर कैपेसिटी अलग अलग होइ छै ओकरा झेलक ककरो में बेसी होइ छै ककरो में कम होइ छै स्त्री में सब बहुत बेसी होइ छै से बात नहि छै हम एहनो स्त्री सब देखने छी जिनका कनिको पेशेंस नहि छनि कनिको थकान बर्दाश्त नहि छनि अपन अपन शरीर आ मनस्थिति के बात होइ छै ई जनरलाइज नहि कऽ सकै छी लेकिन हाँ बेसी स्तर पर एहन होइ छै हमरा कनि नीक परिस्थिति भेटल रहत हम सब चीज लऽ कऽ मैनेज कऽ रहल छी जी जी हम क्षमा चाहब हमरा एहिठाम लाइन कटि गेल हम कनि अन्हार हमर स्क्रीन अहाँके देखायत से कोनो बात नहि ई धन ई बिहार सरकारक गिफ्ट है हमरा सबके हमसब बहुत मने सौभाग्यशाली छी जे सरकार एतेक कॉपरेट करैए
तो एकर बाद हम एक मिनट हम ई पूछा चाहब जे अहाँ मने अंग्रेजी पढ़ने छी और अहाँ मैथिली में सेहो लिखै छी और अहाँ और पुनः हम कहै छी हमर कने एक रति हम लाइट जरेलहुँ हैं तो से अहाँ अंग्रेजी पढ़ने छी अहाँ हिंदी में पब्लिश लेखिका छी अहाँ मैथिली में सेहो पब्लिश लेखिका छी तीनों भाषा पर अहाँ के मने समान अधिकार सन है हिंदी एक नंबर अहाँ लिखे छी मैथिली एक नंबर लिखे छी अंग्रेजी एक नंबर लिखे छी कौन भाषा में बेसी अपना आपके अभिव्यक्त कह पबै छी अहाँ आ जो से करै छी तो से क्या केना बुझाइए देखिए तीनों भाषा के अपन अपन इम्पोर्टेंस छै आ ओकरा हम जेना यूज केलहुँ हँ अपना लाइफ में ऑलमोस्ट समान छै घर में हम मैथिली बजै छी संगी सब संगे हिंदी बजलहुँ कॉलेज में हिंदी बजलहुँ स्कूल में हिंदी बजलहुँ पढ़लहुँ अंग्रेजी बजलहुँ तो तीनों में हमरा कोनो लैंग्वेज में एहन नहीं छै जे हमरा अपना आपके एक्सप्रेस करय में या लिखय में कोनो तरह दिक्कत होइ काज तीनों में करय पड़ैया यदि हम कोनो काज कर रहल छी तो ओहिमे जे हमरा मेहनत करय के से हमरा तीनों में करय पड़ैया लेकिन सोच विचार जेना क्या के हमर मातृभाषा मैथिली है बेसी काल मैथिली में बजै छी तो हमर बहुत काल हम सोचै छी ओहिमे आ तैं अल्टीमेटली जेना हम हिंदी से शुरू केलहुँ लिखब तकर बाद हम मैथिली पर एलहुँ तऽ हम बात बुझलिए जे एकर खगता छै लोक नहि लिख रहल छै लोक नहि पढ़ि रहल छै एकर जरूरत छै तऽ जहन हम हिंदी में तो बहुत लिखा वाला लोक सब छथिन जे हिंदी के काज करथिन हमर मैथिली के काज मैथिली हमरा से छोड़ के क्यों नहीं करते तकर बाद से एहन नहि छै जे हम हिंदी में नहि लिखै छी लेकिन कम लिखै छी अपन बात जे पहुँचाबे के हमरा अपन समाज अपन जकरा हमरा बुझाइए जे बेसी जरूरत छै तैं हम मैथिली तकर बाद कंटिन्यू केलहुँ आ ओ हमरा बेसी आसान बुझाइए जेना अहाँ अंग्रेजी के बात केलहुँ तऽ से हमर अनुवादक किताब अछि जेना डेथ इज एन ओशन अजीत जी के किताब छै ओ ओकरा हम केलहुँ हमरा कियाकि हमरा बुझायल जे नीक चीज छै हमरा नीक लागल से आनो आन भाषा के लोक लग पहुँचै तकरा हिंदी से बेसी यदि जेना हमरा एहिठाम हैदराबाद के लोक सब छथि तो हिंदियो कम पढ़ि पबै छथि अंग्रेजी बेसी रहै छथि तऽ हुनका सबके यदि हम देखलियनि पढ़ेलियनि तऽ हुनका सबके नीक लगलै तऽ तहन तैं हम अंग्रेजी पर काज करै छी सेहो मैथिलिये के लऽ कऽ काज करै छी जे ओ बात पहुँचै तऽ एहि सङ्ग एकटा सवाल हमरा अछि जे सेम सवाल हम एहिमे पूछऽ चाहब जे जहन अहाँ के अनुवाद के लिए तो अहाँ सोझे मृत्युथिक विचारे के अनुवाद किया शुरू के लिए इससे पहले एक बहुत लंबा चौड़ा एक नंबर कवि सबके वा बढ़िया कवि सबके एक लिस्ट छे मैथिली में सीधे मृत्युथिक विचारे किया के अनुवाद के लिए चयन के लिए अ संगे हम इहो कहब जे हम सब 56:38 पर छी 4 मिनट और हमरा सब लग में अय में हम हमरा अहाँ के जे गप से जे खत्म करबा के प्रयास करब बहुत रास प्रश्न पूछबाक छल बहुत रास गप करबाक छल मुदा जतेक पूछलहुँ ताहिसँ संतोष है हमरा एहि सवाल के जवाब के बाद एक दूटा सवाल हम अहाँ सेहो पूछब जे फेसबुक पोस्ट में हमर पोस्ट में किछु सवाल सवाल छल ताहिसँ पूछब ओकर बाद सेशन के हम सब रैप करब जी प्लीज जी देखियो एक मिनट एक रिक्वेस्ट है शारदा जी से कि अपन किछु कविता सुना अगर कुछ सुना दे सुना सके छथिन तऽ समय निकाल के आप सब सुनबा के चाहे छी अहाँके कविता अहाँके मुख से जी मृत्यु थिक विचारे किया बहुत रंगक कविता सब लिखाई छै हम सब पढ़ने छी लेकिन मृत्यु थिक विचार जे एकटा कविता संग्रह छलैया ओ एकदम अलग तरहक कविता छै मृत्यु पर बहुत कम बाते लोक करैए लोक घर परिवार में बाते नहि करैए तै पर सोच कऽ जहन हम पहिले तऽ नाम बहुत अट्रैक्ट केलक दोसर जहन कविता संग्रह पढ़लिए कोना मृत्यु के सामने रह के जीवन के बात कैल गेल छै एकदम से अलग से मने हर पहलू के लेल गेल छै ओहिमे एतेक सुंदर से जोड़ल गेल छै ओकरा जीवन से आधार से ओ खाली नाम बुझाइ छै डिसेप्टिव मने आके धोखा दे जे मृत्यु बहुत तेहन तरहक कविता सब हेतै ओहिमे लेकिन अहाँ जहन पढ़ब तऽ अहाँके मोन प्रसन्न होयत जे
जीवन देखे के इहो एक तरीका छे, हमरा बहुत पसंद आयल छला, तो तै दुआरे हम एकर अनुवाद केलो। यदि आज नहीं हो करते तो फिर कहियो करबे करती है, लेकिन जरूर है, क्योंकि तेहन चीज छले जे बहुत बेसी नहीं लिखा छे, लोग लग में नहीं छे एकर उदाहरण। कतो से शुरू के लिए इहो एक काज छे, आप हम ही सब करबे शुरू हो लिया था, आपो चलते सर। दर्ज एक अंतिम सवाल हम पूछा चाहब अपना दिस से, 58 मिनट पर अपना सब छी, और हमारे प्रयास रहल मैथिली में एक चीज है कि एंकर बहुत बजे छे, नहीं बजबाक चाहिए, हम प्रयास कर लें जे कम होए, आ जकरा से गप करे छी तकरा से बेसी गप सुनल जाए। हम एक अंतिम सवाल पूछे छी, एकदम शॉर्ट में एक बात कहब, जे अखन अहाँ के कथा सब सेहो आयल है, अहाँ कथा लिखब शुरू कलो हैं, मैथिली में कविता से इतर जे चीज सब छे तै में बहुत कम लिखायल छे, शुरुए में कहलूं है वो बात, तो कथा लिखब जे अपने शुरू के लिए से किया कोना ई माने विचार आयल जे कविता कथा लिखब चाही, आ की प्रगति है ओय में कविता कथा लेखन में, की दुएटा कथा लिख कहां थमकल छी वा और लिख रहल छी? नहीं, आर लिख रहल छी, आ जेना हम कहलूं हम अपन बात जे कविता, जेना हम प्रेम के बाद पर हम कविता लिखे छी, बहुत बात एहन छे जे अहां मात्र कविता में नहीं कह सके छी, हमरा बहुत उद्गार है कोनो बात कह के, तो हम ओकरा कतेक फरछा के लिख सकब, हम कते टा में हमरा बुझायल जे हम ओ बात पूरा अपन बात जते मोनक बात है से एकटा में कह सके छी, से हम कहली तो या दूसरो कथा जे रीजन छे जे जेना हम कहलो जे हमर एकटा कथा जे लोग पढ़ के जे जेहन देलत ओकर प्रतिक्रिया, तो हमरा बुझा दे लिखक चाहे वो कविता में हमारो बात नहीं आत, उतवे में नहीं है, उते हम नहीं फरछा सके, लोग लग में नहीं पहुंचा सके अपन विचार, तै दुआरे हम कथा लिखब शुरू कर लूँ, और उतवे पर नहीं रुकवे, आगू बहुत बात छे जे हमरा कह के। सर जी, हम अपना सब चूंकि लाइव में छी, एमे बहुत रास कमेंट अबैत हेतै, स्क्रॉल भ जाइत हेतै, और हम ओ सवाल एखन नहीं लेबय चाहि रहल छी, किएक तऽ हमरा लग में अपने बहुत सवाल छलै, और इस अहाँ से सवाल पूछबाक लेल हम लोग के निवेदन केने रहियन एकटा अपन हम फेसबुक वाल में पोस्ट क के, ओहिमे किछु किछु सवाल सब आयल छलै, किछु किछु तऽ जेनरिक सवाल छलै, जकरा जवाब देब हम आवश्यक नहि बुझै छी, किएक तऽ जे गोटे पुछलनि हैं ओ अपने योग्य छथि, ओ अपने बुझै छथिन ओकर जवाब, कदाचित तैं पुछलनि हैं ओ, तऽ से तै सवाल सबके हम छोड़ब। एकटा जे सवाल छनि जे हम अहाँके पूछऽ चाहब, जे मैथिलीमे आउट ऑफ द बॉक्स कोनो काज नहि भऽ रहल छै, किएक ई हमर सवाल नहीं है, ई प्रवीण के सवाल छनि, प्रवीण झा पुणे से छथि, हुनकर ई सवाल छनि, मैथिलीमे आउट ऑफ द बॉक्स नहि भऽ रहल छै से किया? अहाँके अहाँके आवाज म्यूट है। हेलो हेलो, जी जी, आब अबै आवाज, आवाज अहाँके बंद भऽ गेल छै। जी जी, हम कहि रहल छलहुँ जे आउट ऑफ द बॉक्स अहाँ ओकरा की कहै छियै, कोन अर्थ में से बुझऽ पड़त, आउट ऑफ द बॉक्स बहुत तरहक बात बहुत समय से लिखा रहल छी, आइ के जदि विषय के आधार पर हम कहि रहल छी जे एकदम अनयूजुअल चीज नहीं छै, तऽ एहन कोनो बात नहीं छै साहित्य में नहीं आयल छै, मैथिलियो साहित्य में नहीं आयल छै, पुरान से लऽ कऽ नव तक, लेकिन धीरे धीरे ओ चीज के परिछा कऽ ओ चीज के बहुता में आबऽ में समय छै, तऽ से समय लऽ रहल छै, हर चीज के अपन समय होइ छै, एकटा रास्ता होइ छै, एकटा गति होइ छै, आइ यदि अहाँके नहि देखा रहल तऽ एकर एतेक स्तर पर आज अहाँके देखा से एकटा छोट सन सवाल, बहुत रास सवाल आयल छलै, जाहिमे एकटा जे मैथिली में पढ़नाइ के जे उदासीनता छै तै पर अहाँ 30 सेकंड में की कहऽ चाहबै? जरूर पढ़क चाहिए, बहुत रास चीज छै जे बहुत जरूरी छै जे पढ़क चाहिए, आज खाली मैथिली में नहीं, हिंदी में अवेलेबल छै, अंग्रेजी में अवेलेबल छै, हम बंगला पढ़ै छी, अनुवाद पढ़ै छी, विश्व साहित्य के अनुवाद सब अवेलेबल छै, बिना पढ़ने अहाँ दुनिया अहाँ अपना स्तर पर दुनिया कते देख सकबै, दुनिया किताबे में छै, हमरा लग दुनिया हमर किताब में छै, हम ओही से ज्यादा दुनिया नहीं बुझबै, लोक के नहीं बुझबै, समाज के नहीं बुझबै, हम कोनो काज नहीं कर सकब, सार्थक काज नहीं कर सकब। जी शारदा जी, अइ के अतिरिक्त बहुत रास सवाल सब आयल है, जे हमरा व्यक्तिगत व्हाट्सएप में सेहो आयल है, फेसबुक में तो जे आयल छलै से आयल है, लेकिन समय अभाव के कारण हम ओ सवाल सब नहीं पूछब, माने नहीं पूछ पा सकब, एखन ओहि सवाल सबके हम अहाँ मिलकर कोनो फेसबुक में वा कोनो आन गोष्ठी में हुनका सबके जवाब देबनि, हम बहुत धन्यवाद दै छियनि ओ सवाल पूछय वाला सबके। आई देश
एखन सवाल नहि पुछबाक बीमारी सँ ग्रसित छै। एहि देश मे एखन ककरो कंठ मे एतेक पावर नहि भऽ रहल यऽ सामान्यतः जे सवाल पूछल जाय। लोक मौन धारण केने देश मे तेहन सन स्थिति मे लोक सवाल पूछ रहला हा, तिनकर प्रति हम बहुत कृतज्ञ होइ छी, हुनकर बहुत धन्यवाद हुनका हम दै छियनि। आ एहि सवाल पूछे मे विशेष रूप सँ जे गोटे सवाल सँ पुछलाह, जेना प्रवीण झा छथि पुणे सँ, से ईश्नाथ झा हुनक सवाल छलनि हँ, डॉक्टर निक्की प्रियदर्शनी हुनकर सवाल छलनि हँ, अजीत जी छलाह से किछु सजेशंस देने छलाह, तिनका धन्यवाद दै छियनि। और एकर अतिरिक्त हम अहाँ जे बैस कऽ ई लाइव कऽ रहल छी ताहिमे टेक्निकल रूप सँ जे हमर सभक सहयोग केलाह सबके हम तिनकर हम कृतज्ञ होइ छियनि, धन्यवाद ज्ञापित करै छियनि हुनका प्रति। आ एहि सब आहे माहे के जे जे जिनका पर दारो मदार छनि आराधना प्रधान, हुनका प्रति हम बहुत धन्यवाद ज्ञापित करै छी। और एहि सबटा के लेल आखर आ प्रभा केतन फाउंडेशन आ श्री सीमेंट के हम सब गोटे हम समवेत भऽ कऽ एहि तीनू के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करै छी। तऽ बंधुगण, ई छल 1 घंटा 5 मिनट के लगभग के हमर सभक गपशप। बहुत धन्यवाद अपने लोकनि के सेहो, विशेष रूप से अपने लोकनि के जे अपने लोकनि एतेक समय निकाल कऽ, आई वर्किंग डे छै तैयो अपने सब समय निकाल कऽ हमरा सबके सुनलहुँ, फेसबुक मे कमेंट केलहुँ, एकरा देखलहुँ। आ विशेष रूप से अहियो दुआरे हमसब केलहुँ, ट्राई केलहुँ जे मैथिली मे बहुत हम पहिले कहलहुँ जे एंकर बहुत सवाले कतेटा कऽ दै छथिन जे जवाब देबय वाला के 1 मिनट मे देबऽ पड़ै छै, तो से हम एकटा छोट छिन प्रयास केलहुँ जे नीक सँ गपशप पर। बहुत बहुत धन्यवाद सब गोटे के, थैंक यू। बहुत बहुत बढ़ते हैं, उसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगी। शारदा जी जी हिनकर कहब छन, हुनकर कनी इंटरनेट पता नहीं हमर सबक खराब है वा हुनकर नहीं आबि रहल है, ओ कहने छथि जी कविता सुनबो ल कहै छथि, जे एकटा अपन कोनो कविता जो अपने सुना सकी तो से सुना दी। ठीक छै, हम एहि पर अपन एकटा बात के संगे ही कहब, हमरा जेना अहाँ प्रश्न पुछलहुँ सेहो अन्य लोक सब सेहो हमरा कहै छथि जे अहाँ के कविता मे प्रतिकार नहीं अबे या विरोध नहीं है, प्रेम पर कविता लिखे छी, तो हमरा हिसाब से जे छे ना प्रेमक कविता जे छे से आजुक समाज ला विरोधे के कविता छे, कतो प्रेम नहीं छे तो हम ओकरा जबरदस्ती जोगा कर सामने आन कर राख चाहे छी, हमरा ला वह प्रतिकार है, हमरा ला वह प्रेजेंटेशन है अपना देश से, हम ओ कवि छी जे असामाजिक जे सिचुएशन भेल जाय छे तैमे की नीक छै तकरा पैसा कर राखब, ओकरा जोगा कर राखब, तैं हमर या प्रतिकार जे हम प्रेम कविता लिखै छी। तो अपन एकटा कविता हम सुनने छी अहाँके, एक कविता शीर्षक छै ठानल बात जी। ई जे हमर कविता संग्रह बीत जयबा क्रम में तय में आए जी, हमर ठानल बात है, हमर बात कह सकै छी जे हम बहुत ओरिया का कोनो काज करब लेकिन हम हमरा में हिम्मत के कमी नहीं है, टेक कर रहा हूं। आकाश दिस केने रहब हम अपन पीठ, आकाश दिस केने रहब हम अपन पीठ, रहत हमर आंख धरती पर, नीचा मुहे राखब हम अपन जोर, नहीं ताकब चांद सूरज या तरेगन देश, नहीं है ताकब वही देश जतः स क्षितिज दिखाई हो, उड़ैत चिड़ैक पाँख पर नहीं बैसायब हम अपन कोनो स्वप्न के, हमर दृष्टि रहत जन्मित गाछ पर, हमर दृष्टि रहत जन्मित गाछ पर, जे अंधर बिहाड़ में धैने रहत अपन डीह अपन जोर स, बढ़ैत दूबि पर लड़बाक साहस छे जकरा में अन्हार स, चतरित लत्ती पर जिचिविषा भरल छे जकर देह में, खसल फूल पर जकर सुंदरता सबसे बेसी मोहित छे कि जोरिया में, उखड़ल जड़ पर, उखड़ल जड़ पर जे मोन पाड़ित अछि माटि से जुड़ल रहबाक कारण, चमकैत ओसक बुन पर
जाहिमे गुण रहैत अछि अखंड सूर्यक, जाहिमे बंद रहैत अछि अखंड सूर्यक दाह। सुखाइत स्वप्न पर जकरा पानि देब बड्ड जरूरी छै भोरक प्रतीक्षा लेल। सबके जीवन देवाक लेल माटि में अपन जीवन तकवाक लेल, असगरे हम ठानि लेल जे आकाश दिस कयने रहब हम अपन पीठ, रहत हमर आँखि धरतीये पर। आर जे एकटा आर कविता, दोसर कविता एकटा सुनबै छी। संभावित पुरनका संग्रह में से सेहो एकटा सुनायल जाय, प्रेम कविता के बाद। जी जी, दोनों संग्रह में से एकटा को है पहले। जी जी जी, एक कविता का शीर्षक है विरोधक स्वर। इंटेंशनल नहीं है लेकिन यह निकलल हमरा किताब में। अखन पीछे प्रेम कविता के बाद में विरोधक स्वर। डरू ओहि दिन सा हे प्रचंड सूर्य, डरू ओहि दिन सा हे प्रचंड सूर्य, जाहे दिन बन भ जायत फूल फुलायब, अहाँ के देख आँख खोलब, कौन दिया ओ विरोध, कौन दिया ओ विरोध, अहाँक धधकै धाहक आगि, डरू हे सूर्य डरू। जहिया सबटा कोमलता आ सुंदरता, न्याय आ समानता, प्रेम आ आह्लाद रहि जायत किताबैटा में, तहिया तरवाक तौर बच जायत मात्र सेरायल जमल लावा, परती सुखायल कारी धरती। नहीं कह सकत ओकर आत्मा के उजागर अहाँक कोनो टा किरण, नहीं कह सकत ओकर आत्मा के उजागर अहाँक कोनो टा किरण, नहीं फूटत नबका कोपल, नहीं जन्मत कोनो बिया, यह प्रतिवाद हैत फूलक, यह प्रतिवाद हैत फूलक, नागफनियों पर नहीं उतरत कहियो चांद। डरू हे सूर्य डरू, डरू हे सूर्य डरू, कोना का जीव अहाँ एहन उष्मा विहीन जीवन, डरू हे सूर्य डरू, कोना का जीव अहाँ एहन उष्मा विहीन जीवन, सुखाय लागल अछि गाछ, मौला गेल अछि कोढ़ी सब, समझ जाओ प्रतिरोधक ई विध्वंसक स्वर मूक अछि। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद अहाँ के कविता सबके सुनेबाक लेल। धन्यवाद आराधना जी, हमरा बुझाइए। धन्यवाद शारदा, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद शारदा जी, बहुत बात भेल। जी जी, बहुत ही सुंदर कविता, और इस इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे सभी साथियों का, हमारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनमें डॉक्टर उषा किरण खान, ब्रजभूषण मिश्र, अशोक जी, अविनाश दास और बाकी सब शामिल हुए। आपने अपना समय निकाला हमें दिया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। आखिर की ये पहली शुरुआत थी, पहला लाइव शो था इसका, और आप सबने आकर इसका मान बढ़ाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। हरे कृष्ण झा के बारे में बहुत सारी बातें आज हुई हैं, और आखिर को मौका नहीं मिला उनको अपने मंच पर बुलाने का। हम जो कहें या कहें कि उनकी उनका हेल्थ था, उनका उनका स्वास्थ्य था, वो कुछ ठीक नहीं था उन दिनों जब आखिर पटना में हो रहा था, तो वो कभी आ नहीं पाए, जिसका मुझे हमेशा ही मलाल रहेगा। एक ऐसे कवि जिनको हम सब एम्यूलेट करते हैं, हम सब जैसे उनको सुनते पढ़ते रहते हैं। गुंजन ने कहा, शारदा जी ने कहा कि पढ़ते रहते, तो उन्हीं की कविता से मैं आज के कार्यक्रम को खत्म करूंगी। और जैसे कहती हैं शारदा कि ये किसी भी समय पढ़िए उसी समय की लगती है, तो इसका शीर्षक है अपन अपन समय। छ मास में होइत अछि राहैर, तीन मास में कुर्थी उड़िद, माघ में जे मजरत आमक गाछ, त जेठ धैर जाकर खसत सूपक गोपी, आइ जे ठहरत गर्भ, त नौ मासक बाद एक बेर फिर जन्म लेत आदिम विस्मय जीवन में। सभक अपन अपन समय होइत छै एहि सृष्टि में, अपन अपन नियम होयबाक। की समय होइत छै कविताक, प्रायः एक निमिष,
जे चिरंतन होइत अछि प्राय चिरकाल, जे निमिष जकाँ संघनित होइत अछि प्राय एहि दुनूसँ फराक ओ समय, जे सूरजक भरमासँ बाहरक किछु होइत अछि अनियम ओ नियम, जे सब किछुक नियम के अंगेजने ओकर पारक कोनो नियम होइत अछि अपन अपन समय, हर किसी का हर कुछ का एक समय होता है निर्धारित। और इसी आशा के साथ के इस स्थिति का भी एक निर्धारित समय होगा और उसके बाद हम सच में लाइव आप सब से मिल पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। आप सबको पुनः धन्यवाद, सत्यम को बहुत बहुत धन्यवाद, सत्यम हमारे लिए बैकएंड टेक्निकल संभाल रहे हैं, हालांकि ये इन्होंने एमए किया है पटना यूनिवर्सिटी से, लेकिन टेक्निकल बहुत टेक्निकल चीज़ों में बहुत पुख्ता हैं। और आजकल बिहार कवरेज इंडिया से जुड़े हुए हैं और भी कई मीडिया हाउसेस में काम कर रहे हैं। धन्यवाद सत्यम आपका हमारे बैकएंड सपोर्ट के लिए, और आप सबका पुनः धन्यवाद। धन्यवाद शारदा, धन्यवाद गुंजन, और अगले आखिर कार्यक्रम तक नमस्कार, शुभ विदा, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।